हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्वालिमी। दिस इज विवेक। आज हम लोग ब्लेंडर में एक एडॉन की मदद से घर बनाएंगे। जैसे हम लोग पबजी खेलते हैं तो देखते हैं जो छोटा सा घर आपको दिखता होगा, उस टाइप का ही एक छोटा सा घर बनाने की कोशिश करेंगे। इससे पहले के वीडियोज में हम लोगों ने ब्लेंडर में 3D मॉडलिंग के लिए जो बेसिक टूल्स हैं उनके बारे में पढ़ा, जाना कि वो कैसे काम करते हैं। अगर आप बिगिनर हो और ब्लेंडर में 3D मॉडलिंग सीखना चाहते हो तो आप इससे पहले की वीडियोज़ को देख सकते हो। तो चलिए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप ब्लेंडर ओपन कर लें। तो सबसे पहले मैं ब्लेंडर में डिफ़ॉल्ट क्यूब को डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के लिए एक्स बटन दबाएं, उसके बाद जाएं एडिट मेन्यू में जाएं और क्लिक करें प्रेफरेंसेस पर। इसके बाद सर्च करें आर्कीमेश, ARCHI। आपको पहला वाला दिख रहा होगा, उस पर लेफ्ट क्लिक कर दें। इसके बाद प्रेफरेंसेस विंडो क्लोज कर दें। इसके बाद मैं कंट्रोल स्पेस बार दबा के 3D व्यूपोर्ट को फुल स्क्रीन मोड में ओपन कर लेता हूँ। अब एन की प्रेस करें और क्रिएट पर क्लिक करें। क्रिएट पर क्लिक करने के बाद रूम पर क्लिक करें। नंबर ऑफ वॉल्स में 3 इंटर करें। यहाँ पर ध्यान दें, वॉल 1 और वॉल 3 का वैल्यू सेम होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के सामने में होंगे। तो यहाँ पर मैं वॉल 1 की वैल्यू डाल देता हूँ -5 और वॉल 3 5, ठीक है। और सेकेंड वॉल की वैल्यू मैं रख देता हूँ से 6, ठीक है। इसके बाद आप क्लिक करें क्लोज वॉल्स पे। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे रूम का दीवार, जो हमारे हाउस का दीवार है, वो तैयार हो गया है। अब इसके बाद हमें इसमें फ्लोर और सीलिंग ऐड करना है। फ्लोर ऐड करने के लिए फ्लोर पे क्लिक करें। इसके बाद आप फिर से वॉल पे क्लिक करें और क्रिएट पैनल में सीलिंग को सेलेक्ट कर लें। जैसा कि आप लोग यहां देख सकते हैं कि यहाँ पर एक परफेक्ट क्यूब तैयार हो गया है, ठीक है। अब मैं इसमें डोर ऐड करने जा रहा हूँ। डोर ऐड करने के लिए आर्किमेश पैनल में डोर पर क्लिक करें। डोर के बॉटम में आपको एक लाइन दिख रही होगी, लाइन को सिलेक्ट करें, आर बटन प्रेस करें रोटेट करने के लिए, जेड एक्सिस सिलेक्ट करें और कीबोर्ड के नम पैड पे 90 प्रेस करें और इंटर दबा दें, ठीक है। इसके बाद आप जी और वाई की को प्रेस करें और डोर को अपने हिसाब से जिस पोजीशन पर आप रखना चाहते हैं वहां पर ले जा करके लेफ्ट क्लिक कर दें, ठीक है। इसके बाद मैं एक विंडो ऐड करूंगा। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर पैनल विंडो ऐड करता हूँ। तो पैनल विंडो पर क्लिक करें। उसके बाद जैसे आपने डोर के नीचे आपको एक लाइन दिख रहा था उस पर क्लिक किया था, वैसे इस पैनल में भी नीचे वाले एक लाइन पे जो जेड एक्सिस में है उस पर क्लिक करें। इसे मैं रोटेट कर लेता हूँ और फ्रंट में ही लगा देता हूँ। आर बटन प्रेस करके जेड एक्सिस जेड की को प्रेस करके सिलेक्ट कर लेता हूँ और नम पैड पे 90 प्रेस करें। इसके बाद जी प्रेस करके और इसके बाद प्रेस करें वाई की, क्योंकि हमें इस विंडो को वाई एक्सिस में मूव करना है, और इसे ड्रैग करके मूव कर ले वाई एक्सिस में, आपको जहाँ पर अच्छा लगे वहाँ पर ले जाके लेफ्ट क्लिक कर दें। अब आपको यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रहा होगा कि दो विंडोज हमें विजुअल नहीं है। इसे ठीक करने के लिए आप जी की को प्रेस करें, उसके बाद एक्स की को प्रेस करें और इसे हल्का सा मूव करके, इसे आप तब तक मूव करें जब तक आपको तीनों विंडो दिखने लगे। बस ध्यान यहाँ रखना है कि आप इसे जरा सा ही मूव करें, विंडो दीवार के बाहर ना आ जाए, ठीक है। इसके बाद मैं एक और विंडो ऐड कर देता हूँ। यहाँ जैसे पहले विंडो में ऐड कर चुका हूँ, अब मैं रेल विंडो ऐड करूँगा। इसे भी मैं रिपोजिशन करके मूव कर देता हूँ
एक दीवार पे सेट कर देता हूँ। रिपोजिशन करने के लिए फिर से जी की प्रेस करें और यहाँ पर एक्स एक्सिस के अलावा मूव करना है तो एक्स की पे क्लिक करें। इसके बाद अपने डिजायर्ड पोजीशन पर ले जाके लेफ्ट क्लिक कर दें, फिर से जी और इस बार जेड एक्सिस में मूव करना है तो इसे मैं जेड एक्सिस मूव कर देता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि हमारा रूम तैयार है, लेकिन इसमें एक कमी है। यहाँ पर जब मैं डोर को ओपन करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल रोटेट जेड एक्सिस, तो आपको दिख रहा होगा कि डोर के अंदर दीवार है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसके लिए हमें क्या करना होगा, आप वॉल को सेलेक्ट करें लेफ्ट क्लिक करके। हाँ, तो आपको आर्किमेश पैनल में रूम टूल्स के अंदर ऑटो होल्स बटन दिखेगा, उस पर आप क्लिक कर दें। अब क्लिक करने के बाद आप फिर से डोर को ओपन करके देख सकते हैं, रोटेट करें से जेड एक्सिस में, और वोला ये देखिए आपके रूम से ये दीवार, मतलब डोर के पीछे जो दीवार थी वो गायब हो गई। लेकिन यहाँ पे फिर भी एक प्रॉब्लम है। अगर आप बॉटम में देखें तो यहाँ पर जो पीछे की वॉल थी वो कम्प्लीटली नहीं हटी। इसे हटाने के लिए मुझे क्या करना होगा, आप नीचे वाले बॉर्डर को सिलेक्ट करें और इसके बाद एडिट मोड में जाएं, कंट्रोल आर की प्रेस करें, लेफ्ट क्लिक करें और अपने मनचाहे जगह पर ले जाके लूप कट कट कर लें। ठीक है, इसके बाद सेलेक्ट करें फेस सेलेक्ट और इसे डिलीट कर दें। ठीक है, अब जो प्रॉब्लम था हमारा वो क्लियर हो गया। अब डोर के नीचे कोई बैरियर नहीं है, जैसा एक नॉर्मल रूम होता है उस तरह से आपका एक रूम क्रिएट हो गया इसमें। इसके बाद आगे आने वाली वीडियोज में ब्लेंडर फाउंडेशन कोर्स में हम लोग ब्लेंडर के अंदर शेडिंग कैसे करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके फ्रेंड है जो ब्लेंडर सीखना चाहते हैं उन्हें आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं।